मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसी को लेकर खरगोन जिले के कसरावद में पटवारी परीक्षा में धांधली के विरोध में उम्मीदवारों ने एसडीएम कार्यालय पर सीएम शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जांच एवं पेपर लीक के दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है? आज ये जो ज्ञापन दिया गया है पटवारी परीक्षा से संबंधित है, जिसमें जो धांधली हुई उससे संबंधित प्रस्तुत किया गया है। क्या धांधली है इसके अंदर? यह बताया जा रहा है कि जो टॉप 10 बच्चे हैं उनमें से 7 एक ही कॉलेज से टॉप किए गए हैं, जबकि अन्य जिलों में भी ये परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उन सेंटरों से किसी भी एक भी बच्चे का जो टॉप 10 में है उनमें नाम प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो इस संबंध में ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अच्छा, ये सेंटर और कॉलेज किन लोगों के हैं? ये यही अभी जो बताया है कि किसी नेता से संबंधित है। उनका है, क्या नाम लिखते हो? पूर्वा पटेल। आज ये जो ज्ञापन दिया है किस विषय में दिया है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से जो ESB है, ESB द्वारा पटवारी की जो भर्ती परीक्षा कराई गई है उसके संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया हमारे द्वारा। जैसा कि हम लोगों को जानकारी में आया है कि एक ही सेंटर के टॉप 10 अभ्यर्थियों में से 7 सेंटर जो सात जो अभ्यर्थी थे वो एक ही सेंटर के निकले हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को इस चीज़ की शंका है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर हुई है। और ये जो अभ्यर्थी हैं इनके रोल नंबर भी लगभग एक ही सीरीज के हैं और साथ में बहुत सारी धांधली की आशंका, इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया। क्या क्या मांगे इसमें? हमारी मांगे ये हैं कि पहले तो परीक्षा की जांच कराई जाए और जांच कराने के पश्चात जो भी उसका ब्यौरा आता है वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, पेपर लीक के मामले में एक कोई कानून बनाया जाए कि अगर कोई व्यक्ति और कुछ लोग जो भी इसमें संलग्न रहे पेपर लीक के मामले में वो लोग उनको उन धाराओं के अंतर्गत सजा दी जाए। ये पेपर लीक वाला जो सेंटर है, 7 सेंटर, ये किन किन लोगों के सेंटर है? ये टॉप 10 जो स्टूडेंट थे उसमें से 7 बच्चे जो हैं वो सेंटर NRI कॉलेज ग्वालियर का। कसरावद से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।